after the salute from the president's bodyguard, Honorable President Sri Ramnath Kovind will now exit the forecourts of the Rashtrapati Bhavan, and his carcade will move towards the Parliament of India. उनतीस जनवरी 2021 आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संसद का बजट सत्र सुबह 11 बजे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होगा। राष्ट्रपति महोदय केंद्रीय कक्ष से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे, और क्योंकि कोरोना काल है तो कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए सदस्यगण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो, और इसलिए इस सत्र में, इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो, और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है, वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा, और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए राष्ट्रपति